है, लेकिन अब लेपर्ड देखने के लिए लोग झुंझुनू का रुख करेंगे। जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक बड़ी सौगात झुंझुनू को मिलने जा रही है, ये खास रिपोर्ट देखिए। हेरिटेज टूरिज्म के लिए विख्यात शेखावटी अब जल्द ही वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में भी अपनी पहचान स्थापित करने वाला है। दरअसल 2017 में कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए बांसियास खेतड़ी वन क्षेत्र लेपर्ड को रासा गया है, जिसके बाद यहां लेपर्ड का कुनबा बढ़ने लगा है। ऐसे में वन विभाग ने इस इलाके में लेपर्ड सफारी शुरू करने का ऐलान किया। जी हाँ, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए झुंझुनू के खेतड़ी के बांसियाल में लेपर्ड सफारी की शुरुआत करेंगे। यानी झुंझुनू आने वाले पर्यटक हेरिटेज टूरिज्म के साथ साथ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का भी लुत्फ उठा सकेंगे। फिलहाल इस वन क्षेत्र में तकरीबन 15 पैंथर हैं। इसके अलावा यहां जरक, सियार, जंगली बिल्ली, मरु बिल्ली, चिंकारा, नीलगाय, लोमड़ी, सेही, खरगोश सहित कई प्रजातियों के पक्षी भी देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जैव विविधता दिवस पर 22 मई को बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी की शुरुआत हो चुकी है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के प्रचार प्रसार को लेकर पर्यटन विभाग भी कार्य योजना तैयार कर रहा है, ताकि पर्यटकों को यहां के वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की जानकारी मिल सके। तो वहीं भारत भ्रमण पर निकलने वाला हर शख्स टोंक से होकर गुजरता है और यहां से मिलता है वो कोई भी कभी नहीं बोल सकता। बिहार के रहने वाले धीरे